नमस्कार भाई लोग, तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप टर्मिनल से जो है सो अपने स्क्रीन का रिजोल्यूशन चेंज कर सकते हैं। तो इसका रीज़न ये है, आप करना क्यों चाहेंगे स्क्रीन रिजोल्यूशन क्या कहते हैं टर्मिनल से, जबकि आप सिस्टम सेटिंग में जाके और डिस्प्ले में जाके और डायरेक्ट यहाँ पर जो रिजोल्यूशन है इससे जाके जो है सो आप चेंज कर सकते हैं, तो आप उससे क्यों करना चाहेंगे। तो इसका रीज़न है कि एक बार मैंने गलती से 800x600 कर दिया था रिजोल्यूशन, उसके बाद अप्लाई कर दिया, तो उसके बाद रिजोल्यूशन जो है सो रिजोल्यूशन तो चेंज हो गया डिस्प्ले का, लेकिन ये जो देख रहे हैं ये वाला, ये चूंकि ये विंडो रिसाइज नहीं हो सकता है, देखिए इस पर इसको रिसाइज नहीं किया जा सकता है ना, इसको बड़ा किया, जनरली ये वाला जैसे ये विंडो है तो इसको रिसाइज कर सकते हैं ना, छोटा बड़ा जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, लेकिन जो है इस विंडो को रिसाइज नहीं किया जा सकता। इसीलिए जब क्या कहते हैं वो रिजोल्यूशन चेंज कर दिए हम, ये 600 कर दिए 800x600, तो अप्लाई बटन गायब हो गया, ये बटन जो है अप्लाई वाला ये गायब हो गया, मतलब ये नीचे चला गया और वो आ नहीं रहा था कैसे भी करके, तो इसीलिए परेशान हो गया कैसे करना है, मतलब क्या हो गया यार, क्यों नहीं हो रहा है। और उसके बाद जो है सो मुझे आइडिया आया कि टर्मिनल से करना चाहिए, और टर्मिनल से मैंने चेंज किया तो बैक टू नॉर्मल रिजोल्यूशन आ गया। तो इसीलिए कभी कभी टर्मिनल जो है सो यूज़फुल हो जाता है रिजोल्यूशन चेंज करने के लिए। तो रिजोल्यूशन चेंज करने के लिए आपको सीधे टर्मिनल खोलना है और टाइप करना है XRANDR, एंटर मारिए। इससे आपको जो है सो दिख जाएगा करंट रिजोल्यूशन है 1366x768 और यही सब रिजोल्यूशन का लिस्ट है, ठीक है। तो आपको इसमें से मान लीजिए आपका गलती से ये रिजोल्यूशन सेलेक्ट हो गया, ठीक है, और उसके बाद आप वापस से रिस्टोर करना चाहते हैं इस रिजोल्यूशन पे, ठीक है। तो आपको करना ये है कि आपको एक कमांड टाइप करना है XRANDR स्पेस हाइफन और उसके बाद S स्पेस और उसके बाद जिस नंबर का करना है, जैसे ये फर्स्ट नंबर का करना है तो हम 0 लिखेंगे, सेकेंड नंबर का करना है तो 1 लिखेंगे, थर्ड नंबर का करना है तो 2 लिखेंगे, फोर्थ नंबर का करना है तो 3 लिखेंगे, और हमको चूंकि ये 0 का सेट करना है तो हम यहाँ पे 0 लिख देंगे और उसके बाद एंटर मारेंगे। जैसे 0 लिखे एंटर मारेंगे, अभी हम एंटर नहीं मार रहे हैं क्योंकि अगर हम एंटर मारें तो मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग रुक जाएगा, इसलिए गड़बड़ हो जाएगा उसके बाद। वैसे मार के देख लेते हैं आप जो है सो उसके बाद अगर कुछ हुआ तो आपका जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग फ्रीज हो जाएगा, हालांकि चूंकि ये पहले से 0 है तो कोई मेरे ख्याल से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, देख लेते हैं फर्क है कि नहीं, पता नहीं आपका स्क्रीन फ्रीज हुआ है नहीं या नहीं, हो सकता है फ्रीज भी हो गया होगा, हो सकता है नहीं, ये तो बाद में पता चलेगा। और इस तरीके से रिजोल्यूशन चेंज करते हैं और कुछ नहीं है। अगर आपको फ्रीज करके दिखा देते हैं एक बार कैसे फ्रीज हो जाता है, अगर अभी तक फ्रीज नहीं हुआ होगा तो स्क्रीन मेरा रिकॉर्डिंग फ्रीज हो जाएगा जब हम ऐसा करेंगे तो, और इसीलिए अभी हम करना नहीं चाहते हैं, फिर भी आपको दिखा देते हैं हम सही बोल रहे हैं या नहीं, फ्रीज होगा कि नहीं। जैसे एंटर मारे देखिए फ्रीज हो गया होगा आपका, फ्रीज हो गया होगा, आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा होगा, बस फ्रीज हो गया होगा स्क्रीन मेरे ख्याल से। तो आपको वही कमांड जो है सो टाइप करना है और जो है सो आपको जो भी करना मतलब जो भी रिजोल्यूशन लाना है वो आप ला सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट से बड़े ही आसानी से। और फिलहाल तो आपका स्क्रीन फ्रीज होगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।